तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और आपकी क्लास कब से स्टार्ट होंगी, साथ ही साथ कौन से सब्जेक्ट पर हमको कितना ध्यान देना है और साथ ही साथ किसमें सबसे ज़्यादा बैक आपकी आती हैं, कहाँ से आप स्टडी करेंगे, कहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, नोट्स कहाँ पर प्रोवाइड होंगे, हिंदी में होंगे या इंग्लिश में होंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर से देखें जिससे कि आपको पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर की सभी जानकारी मिल सके और आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छे नंबर गेन कर सकें। सबसे पहले बात अगर हम करते हैं सब्जेक्ट की, तो देखिए पॉलिटेक्निक आपके थर्ड सेमेस्टर में टोटल जो सब्जेक्ट हैं आपके कितने हैं, 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक, टोटल ऑफ आपके नंबर कितने हैं, 6 सब्जेक्ट हमारे हैं। पहला हमारा सब्जेक्ट आता है मैथ थर्ड, पहला हमारा सब्जेक्ट मैथ थर्ड आता है जिस पर हमको एक विशेष ध्यान देना है क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स की बैक मैथ थर्ड में ही आती है। ठीक, तो मैथ थर्ड को हमें बहुत ही अच्छा बना करके चलना है। सेकेंड चैप्टर आपका आता है, सेकेंड सब्जेक्ट आपका आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम होते हैं, गेट्स वगैरह होते हैं, केएमएफ वगैरह होते हैं, जो काफ़ी सारी हार्ड चीज़ें हैं क्योंकि इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट आ गया, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट पढ़ना पड़े तो क्या होगा आपको पता ही है। तो ठीक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा सा हार्ड है, इस पर भी हमको एक विशेष ध्यान देना है। इसके बाद थर्ड आपका थर्ड सब्जेक्ट आता है EIM, इलेक्ट्रिकल आपके इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट। देखिए इलेक्ट्रिकल में जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, उन सभी के बारे में हमको पढ़ना है, किसमें EIM में पढ़ना है। चौथा हमारा आता है क्या, मशीन फर्स्ट। देखिए इसमें हमको थर्ड सेमेस्टर में मशीन फर्स्ट पढ़नी है और फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़नी होती है मशीन सेकंड, जितनी भी तरह की हमारी मशीनें हैं। ठीक, जनरेटर हो गया, मोटर हो गई, ठीक, डीसी मोटर्स वगैरह हो गई, इन सभी को हम इसमें मशीन में आपके कवर करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको मशीन को जो कि है देखने को मिलेगा, मशीन हम आपको समझाएंगे। ठीक, इसके बाद आपका पाँचवा सब्जेक्ट आता है, पाँचवा सब्जेक्ट आपका आपका आता है EEM। ठीक, इसमें आपके जितने भी इंसुलेटर होते हैं, मटेरियल्स वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक में जितने भी तरह के मटेरियल्स आपके होते हैं, उन सभी के बारे में हमको इसमें जानकारी प्राप्त होगी। ठीक, इन सभी के बारे में हमको इसमें जानना है। और लास्ट आपका सब्जेक्ट आता है EVS, एनवायरमेंट स्टडी। तो इस पर हमको कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ध्वनि प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, वायुमंडल के बारे में जानने जानकारियाँ हो गई, तो ये सभी चीज़ें हमको जो कि है 11th और 12th में भी हमने कुछ पढ़ी हुई हैं। ठीक, तो EVS में हमको एक विशेष ध्यान नहीं देना है, EVS और EEM ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हम केवल आपके पेपर्स के टाइम एक दो महीने में ही कवर कर ले जाएंगे। अभी हमको विशेष ध्यान जो कि देना है तो इन चारों सब्जेक्ट पर देना है, चारों सब्जेक्ट को हमको बहुत ही अच्छी तरीके से उनको तैयार करना है, जिसमें से हमें मैथ थर्ड हो गया और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हो गई, इन पर एक विशेष ध्यान देना है जिसकी इसमें आपके बैक आने की संभावना खत्म हो जाए। ठीक, आपका EIM हो गया और मशीन फर्स्ट हो गया, ये आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छी की तरीके से आपको समझाई जाएगी, बिल्कुल भी आपको कठिन नहीं लगेगी, इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये EVS, आपकी EIM और मशीन फर्स्ट समझ में आ जाएगी। तो ये तो हमारी होगी सब्जेक्ट की बात। अब हम बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट हिंदी में चाहते हैं और जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में क्लासेस चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी में क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश में क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपके नोट्स की। तो देखिए नोट्स आपको पेपर से एक या डेढ़ महीने पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको ओनली वीडियो लेक्चर देखते हुए चलना है और अगर आप नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब आपके नोट्स की बात हो गई, सब्जेक्ट की बात हो गई, अब बात करते हैं हम किसकी, बुक्स की। तो देखिए बुक्स प्लस क्वेश्चन बैंक, बुक्स और क्वेश्चन बैंक की अगर हम बात करें तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। ठीक, टेलीग्राम चैनल पर आपको बुक्स और क्वेश्चन बैंक दोनों ही फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी, और टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है आपका पॉलीटेक्निक बुक बैंक। ठीक, तो ये है आपका पॉलीटेक्निक बुक बैंक नाम से चैनल, जहां पर आपको क्वेश्चन बैंक्स और बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी।
और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट को भी जो कि आप ज्वाइन करें, जिससे कि आपको आने वाली सारी अपडेट, आने वाले वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन, कई बार क्या होता है यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं देता है वीडियो का, तो टेलीग्राम के थ्रू आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारे चैनल पर। और पॉलिटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में हमारे सब चैनल पर आपको पढ़ाए जाते हैं। टेक्निकल भाषा तो ठीक ही है, ठीक, एक आम तौर पर जो आम भाषा हम जनरली यूज करते हैं उसमें आपको समझाया जाएगा, जिससे कि आपको पेपर में लिखने में आसानी हो। देखिए, रटना हमारा मोटिव नहीं है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना हमारा मोटिव है, ठीक। किसी भी सब्जेक्ट हो आपका, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे EIM हो, चाहे आपका मशीन फर्स्ट हो, हमें किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, उस चीज़ को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, अगर आपकी मोटर चल रही है तो कैसे चल रही है, इस चीज़ को हमें समझना है। रटना अगर है तो आप क्वेश्चन बैंक से भी सकते हैं, बुक से भी रट सकते हैं, लेकिन हमें इन सभी चीज़ को कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, तभी आप एक अच्छे इंजीनियर कहलाते हैं। तो चलिए, आज हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, आपके सब्जेक्ट बता दिए, आपको बुक और क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेगी ये बता दिए, नोट्स कहाँ पर प्रोवाइड होंगे इंग्लिश में, ठीक, और प्लस हिंदी दोनों में ही आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, और इंग्लिश में अगर अधिकतर कमेंट आते हैं तो इंग्लिश में भी आपको क्लास दी जाएंगी, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका रिजल्ट एक या दो दिन में ही जो कि आने वाला है, तो बढ़िया से अपनी तैयारी करें थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर के पेपर आपके लगभग लगभग दिसंबर या जनवरी में होंगे, तब तक आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा और साथ ही साथ अच्छे से प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी, बिल्कुल भी आपको परेशान होने वाली जरूरत जो कि है नहीं है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने केवल इतनी चीज़ों के बारे में जानकारी ली, अगली वीडियो लेक्चर में हम अपनी मशीन EIM और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक को स्टार्ट करेंगे, और आपकी वीडियो पर डे जो कि है 2 से 3 वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद।